यही लोग हैं जो गरीबों को संगठित करते हैं। फिर भैया लड़ते रहते, फिर हम भी चुनाव लड़ने लगे, हम भी जीतने लगे। तो वो हम लोग भैया वहाँ आप जाएंगे ना तो आपको लगेगा वहाँ दो खेमा ही है, एक गरीब का एक अमीर का। तो हम लोग गरीबों के साथ है, गरीबों की एक टीम है, गरीबों की सहायता करते हैं, उनका आंसू पोंछते हैं, इसलिए इनको खत्म करो। वो जानते हैं अगला चुनाव होगा तो अफजाल अंसारी को हम लोग हरा नहीं पाएंगे, जनता इन्हीं के साथ है। आज भी हाथ उठवा के आप चेक करा, 3 दिन पहले चुनाव होने की घोषणा के बाद 3 दिन पहले इनके कृष्णानंद के दोस्त को SP बनाया गया, बैठ के बूथ कैप्चरिंग कराई गई। इस तरह से देखा, 883 वोट पोल 90% हुआ। एक इनका गांव है, ये ब्लॉक प्रमुख है हम लोगों के, ब्लॉक प्रमुख को प्रधान वोट देता है, लेकिन इनके गांव में अगर 500 वोट पोल हुआ है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं कि वोट डलवा पाए हम लोगों को, सब बूथ कैप्चर, ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हथियार लगा दिया जाएगा, ये है। जबकि ब्लॉक प्रमुख मजबूत आदमी, लेकिन जाके घरों पर गलो चितले उड़ा देंगे, अरेस्ट कर दो। हमारे ऊपर तो मान लीजिए कि 10 केस है, हमारे पूरे खानदान में किसी पर एक भी 506 का मुकदमा नहीं। भैया पर तो ये गांधी जी कहे जाते हैं हमारे क्षेत्र के, इन पर कोई आज तक कोई किसी से बहस करने का भी मुकदमा नहीं है। उनको 3 दिन पहले हाउस अरेस्ट कर दिया वोट डालने की पर। और इनके दोनों पार्टनर कौन है, ब्रिजेश सिंह और सुरेश, और किसी से पूरे चंदौली जाइए वहां मुगल सराय, किसी से पूछ लीजिए, सारा काम किसका है, सब ब्रिजेश का है, लेकिन नाम इस अरबपति। और ये दिल से नहीं चाहते, लेकिन ये मजबूरी अगर नहीं करेंगे तो आनंद बाबू का अपहरण हुआ था, 10 करोड़ दे के छूटे हैं इनको। हीरोइन हमारे जिले में उससे ज्यादा शायद कहीं बनती बिकती है, कोई जांच नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई, हमारे आज लाखों नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। आप पेपर में लिख और हर जगह गाजी, ये पागलपन ये है, ये नकली बिहारी बदमाशों वर्दी पहना के भैया अचार, वो नाम उनका बता। और खतुल हवासी ये है कि लिख के भी दे दिया है कि 5 तो मेरे पास है। मुख्तार जी, ये जो अभी हमला हुआ है, ये आपकी फैमिली पे, आप पे जानलेवा हमला जो बताया जा रहा है कि इस तरह आपने एक शिकायत की है, तो इसमें क्या लगता है कि ब्रजेश सिंह का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, कुछ इस तरह का है? देखिए, कृष्णानंद राय जो है और ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, ये तीनों लोग सारे दिन सारी रात हमेशा साथ रह रहे हैं गाजीपुर में। SLR लिए हुए था ब्रजेश सिंह, 147 थी, और कृष्णानंद राय पिस्टल से फायर मार रहा था। हर 2-4 दिन पर वही घूमते ही है, इसी के साथ ही रहा, नहीं मिली। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, एगो रसीद तक कटवा दे, कम से कम अमन के नंबर एडवांस, नंबर एडवांस वाला रसीद कटवा। अच्छा, कोई कानून है कुछ करा दें। हाँ, एमएस पूरा कोई गड़िया के यहाँ खड़े हो जाइए, आज तक तो पूरा नंबर ऊपर बना ले, इसको बना लो। और एक खुली जिप्सी से आ गए हैं और ये लोगों से यहाँ पर है, इसको लेकर डेवलप हो रही है ज्यादा।
अरे भाई आप रघुनाथपुरा वाला कॉल पर चले सब्जी मंडी में मालिक यार अब वहाँ तक तो हम ना जा रहे अंदर मरीज भी एक बात हमारी बस बतावा सुना लो कि तू लोग से कह रहे हैं तू लोग अपने घर हो जाओ अपने घर हो जाए तो शांति नहीं हो जाएगी। बताओ तुम आधा घंटे एक घंटा हो गया मुझे कोई नहीं आया अभी कोई आया है एक कोई दिखाई मैं अपने हाथ से आग बुझा रहा हूँ जब आप आए लोग से कह रहा हूँ बुझाओ खत्म हो झगड़ा तो लोग हट जाओगी तू लोग भी हट जा आग जो ये लगी है दमकल जब वो आएगा तभी होगी जब वो बुझ जाएगी तभी ना अधूरा छोड़ के आएगी अब तो शांति फिर होगी तभी तो कुछ होगा सुना रहे टीवी में देखेंगे जरा अपना कैमरा देना बंद करो 9 बजे आती है राधेपुर भी आ जाती है 9 बजे 5 से 9 हो गया हम ही करा रहे सराफों में से एक हफ्ते के बाद नहीं मैंने ये किया है लगाओ क्या बोला है तो ऐसे सुनिए लीडो लगा रहे पहले वाले अभी वाला सुनेंगे पहले अभी वाला तुम्हारे यहाँ में है ना लीड लीड कौन अच्छी इससे चले उसमें लगा रहे हो क्या आप और आने ये सब गिद्ध मर गए पुराने दर पुराने गिद्ध मर गए इनके मतलब अंदर की बात है देखने के लिए भैया वो कैसेट हो एक टोपी के बगैर क्या होना चाहिए टोपी उतार रहा है बुरी लग रही है अच्छा आप ये बताएं पहले जी कि किस सन में पहली सीट निकली थी पहली भाई साहब ये बताएं इस इन मौजूदा परिस्थितियों में जो आपके हालात चल रहे हैं क्या आप स्टेबल सरकार बना सकते हैं क्या यार अगर हमारी सरकार बनी व्यवहारिक सरकार की मैं बात करना चाहता हूँ बड़े बुजुर्ग नेता बैठे नहीं सिद्धांतिक तो सरकार नहीं बनती नहीं सिद्धांत छोड़ो भाई ये चलाने की बात कर रहे ये वोटर फैसला करे जनाब अभी आपने बिलसी में देखा आपने बिलसी में 80% मुसलमानों ने वोट दिया 80% जबकि आपके शाही हार के 13,000 वोट पाए केवल क्या एक चीज ऐसा बता दें मुलायम को गोली मार देने के लिए ये लोग झूठा करते थे यही बहन माया होती है जो हमारे उसमें तो दरोगा तक को इलाज कर दिया था कि इस जिले में इतने दरोगा 15,000 टीचर ये उत्तर प्रदेश के भविष्य को तय करेगा ये सारे देश के भविष्य को तय करेगा ये चुनाव इस गाजीपुर के देश के भविष्य को गाजीपुर के भविष्य को तय करेगा इस बात को साबित करेगा ये चुनाव कि आप लोग
इंसानियत को पसंद करते हैं या आप लोग ऐसी हैवानियत को पसंद करते हैं जो गरीबों का वोट लूट करके राज करते हैं। मेरे साथियों, मैं आपके बीच में ये कहने के लिए आया हूँ, आज 5 महीने से समाजवादी पार्टी की सरकार है। अभी विजय भाई ने, मुलायम सिंह यादव जी ने जो गरीबों के लिए किया है, अगर इस मुख्तार को भी अपने खून को भी कुर्बान करके उनकी इस सरकार की रक्षा करनी पड़ेगी तो उसके लिए भी ये मुख्तार अंसारी तैयार है। मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूँ साथियों, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो साथियों, कौन जालिम है, उन जालिमों से जरूर मुकाबला करता हूँ। अगर किसी गरीब और मजबूर को सताया जाता है तो आपका ये बेटा उनका पंजा मरोड़ने का काम करता है। किसी माँ बहन की इज्जत और आबरू लूटी जाती है तो आपका ये बेटा उस गरीब का आंसू पोंछने का काम करता है। अगर यही जुर्म है, यही गुनाह है, मुख्तार अंसारी इस गुनाह पे नाश करता है और मुख्तार अंसारी इस बात का ऐलान करके कहता है कि ऐ जालिमों, कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे जुर्म का पंजा मरोड़ता रहेगा। मुख्तार अंसारी तुम जालिमों से मुकाबला करता रहेगा जब तक तुम होश में नहीं आ जाते हो, जब तक गरीबों को गले लगाना